हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कतर में रहते हैं तो दोस्तों मैं कतर की तीन बड़ी खबरें आपको आज बता दूं दोस्तों, हिंदी में वो भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं, उससे पहले एक बार बता दूं, अगर आप कतर में रहते हो तो हिंदी में कतर की न्यूज़ पल पल पाने के लिए दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी वाला बटन दबा दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। तो दोस्तों ईद के लिए पूरे कतर में छुट्टी का ऐलान हो गया है दोस्तों। ईद का छुट्टी होगी दोस्तों 19 मई 2020 से लेकर 28 मई 2020 तक, और संडे रविवार 31 मई 2020 से वापस ड्यूटी आपकी शुरू हो जाएगी। सभी तरह की छुट्टी जितने भी है दोस्तों, कतर सेंट्रल बैंक, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो भी है, QCB है, कतर फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी है, गवर्नर ऑफ कतर सेंट्रल बैंक है, वो सब अपना कामकाज बंद रखेंगे ईद की छुट्टी के उपलक्ष में। उसके अलावा जितने भी लोग हैं अदर गवर्नमेंट के अलावा भी जो एंटिटी है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, वो भी सब बंद रहेंगे 19 मई 2020 से लेकर 28 मई 2020 तक। 31 मई 2020 से फिर से शुरू हो जाएगी ड्यूटी दोस्तों। ये वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बात करते हैं दोस्तों कतर की, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 582 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर घर जा चुके हैं, और 582 को मिलाकर अभी तक कुल 4370 लोग घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक भी मृत्यु नहीं हुई, और अभी तक मरने वालों की टोटल संख्या 15 ही है। अभी पिछले 24 घंटे में दोस्तों 4866 लोगों का टेस्ट किया गया, और इस 4866 को मिलाकर अभी तक 157,570 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। जो पिछले 24 घंटे में 4866 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें से दोस्तों 1632 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, और 1632 को मिलाकर अभी तक 28,219 लोग हैं जिनका कि इलाज चल रहा है दोस्तों हॉस्पिटल में। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों को ICU में शिफ्ट किया गया है, और ICU में अब तक 165 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं अभी तक दोस्तों। मतलब ICU में अभी भी 165 लोग हैं, कल वाला जो 24 घंटे में 18 लोगों को शिफ्ट किया गया उसको मिला के दोस्तों 242 लोग ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे। तुल ICU वालों को मिला के 165 को मिला के 242 लोग ऐसे थे जो एक्यूट हॉस्पिटल वाले थे, मतलब ICU में नहीं थे लेकिन उनकी बीमारी गंभीर थी, और 242 को मिलाकर 1421 लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी गंभीर है। आपको भी कोई समस्या होती है दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड, तो 16000 नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं, समाधान ले सकते हैं फ्री में। तीसरा न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन नंबर जारी कर दिया गया है दोस्तों। हॉटलाइन नंबर है 4457-9999। इस नंबर पे आप फ़ोन करके किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है घर में, या घर में आप अगर क्वारंटाइन रहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा दोस्तों। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों।